दैट्स माई एग्ज़ाम सेटअप, जिस तरह मैं एग्ज़ाम देने बैठूँगी अपने बेड पे। ऑल सेट। फाइनली मेरा एग्ज़ाम हो गया, बट अब मुझे बहुत नींद आ रही है। बट 10 बज गए, ब्रेकफास्ट करना है, सो जाऊंगी मैं। पापा ऑल ब्राउन ऑल ब्लैक दस सुना था, ऑल ब्राउन गाना निकालूं। सो माय लिप्स आर टर्निंग ब्लैक, आई डोंट नो व्हाई, एंड आई थिंक दे नीड स्क्रबिंग। और अगर आप मेरे फेस को काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहे हो, जो मेरे फेस पे काफ़ी छोटे छोटे से दाने टाइप लग रहे हैं, तो ये हुई है मेरे को फेस पे एलर्जी। वो भी तब जब मुझे बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स शूट करने थे, आई हेट इट। सो इसके लिए अभी मैं इस पर पाउडर लगाने वाली हूँ, कैंडिड बी वाला पाउडर, जो मेडिकेटेड पाउडर होता है वो वाला। क्या मेरा और मेरी शीट्स, आंसर शीट्स ऐसे ही पढ़नी है। बट नाउ आई हैव टू फिनिश माय पेंडिंग वर्क, विच इज़ राइटिंग द आर्टिकल एंड एडिटिंग करनी है वीडियोस की। सो ये दो पेंडिंग वर्क हैं जो कि अब मैं ख़त्म करने वाली हूँ। करा, खाया, पिया, सो गए। नाउ अपने आप को प्रॉपरली जगाने के लिए और थोड़ा सा क्या कहते हैं मूड एनहांस करने के लिए, एनर्जी लाने के लिए, बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट चेकिंग पर्पल ऐप क्या सेल लगी है, क्या ऑफर्स एंड ऑल। मेडिमिक्स सोप, बिकॉज वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हर्ब्स होते हैं एंड वो फेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक्ने एंड जैसे एलर्जी हुई है उसके लिए बहुत अच्छा है। फेस वॉश कोई भी काम नहीं कर रहा एंड मेरी स्किन और ज़्यादा वर्स फील करती है, और ज़्यादा मतलब इरिटेशन, इचिनेस एंड ऑल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो फील करती है। डैट्स वाई आई एम यूजिंग मेडिमिक्स सोप। और उसके बाद आई विल अप्लाई आमंड ऑयल, बिकॉज ए सी जो है वो सारा स्किन से ही मॉइस्चर खींच लेता है एंड स्किन को मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम इस एलर्जी का इलाज करना भी ज़रूरी है। सो आई एम यूजिंग आमंड ऑयल बिकॉज वो दी बेस्ट है स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए भी इवन। सो आई गोना अप्लाई डैट।
लुकिंग सो ऑयली एंड यक, बट सुबह तक थोड़ा सा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा और बस टी जोन पे रह जाएगा. सो डजंट मैटर, फेस ठीक होना चाहिए. हम जिसको ना कॉम, मतलब कॉम कर चुकी हूँ. अब मैं ब्लाउंगी ब्रेड, आई एम गोइंग टू स्लीप. सो एंडिंग द ब्लॉग हियर.